नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चैती छठ का आज दूसरा दिन, खरना आज। बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आचार संहिता के दौरान इतने रुपए कैश लेकर जाना संभव। गर्मियों की छुट्टी में ट्रेन टिकट से संबंधित कंफ्यूजन को ऐसे करें दूर। मिर्जापुर सीजन 3 में इस किरदार का पंकज त्रिपाठी ने किया खुलासा। बिहार के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिलेगा प्रशिक्षण। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गुजरात पुलिस ने 12,000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर सहित 12,000 से भी अधिक पदों पर गुजरात पुलिस बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास किया होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए आवेदन के लिए आपको 100 रुपए देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और वेबसाइट को देख सकते हैं। बिहार के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार के खिलाड़ियों को अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रशिक्षण मिलेगा। दरअसल खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए यहां के खिलाड़ियों के चयन का ट्रायल पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। 3 खेल में बालक और बालिका दोनों ही वर्गों में सिलेक्शन का ट्रायल किया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, कुश्ती और भार तोलन को शामिल किया गया है। 12 से लेकर 25 साल के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से इन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि 20 और 21 अप्रैल को यहां एथलेटिक्स और कुश्ती के लिए ट्रायल होगा, जबकि भार तोलन के लिए 23 और 24 अप्रैल को ट्रायल किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को यहाँ कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सैयद एहतसाम हसनैन के बारे में। ये एक भारतीय शिक्षाविद होने के साथ ही भारतीय वैज्ञानिक भी हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1954 में बिहार के गया में हुआ था। ये वर्ष 2005 से वर्ष 2011 तक हैदराबाद विश्वविद्यालय के 7वें कुलपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार, जर्मनी के संघीय गणराज्य का ऑर्डर ऑफ मेरिट 2014, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2001 शामिल है। चैती छठ का आज दूसरा दिन, खरना आज। चैती छठ पूजा का आज दूसरा दिन है, इसे ही खरना के नाम से जाना जाता है। मालूम हो कि बीते दिन नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। वहीं आज छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कल शाम में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल को सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके साथ ही छठ पूजा का समापन होगा। वहीं मालूम हो कि खरना के दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है। छठी माता और भगवान सूर्य को गुड़, फल और मिठाई से बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है। प्रसाद तैयार करने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं। इसके बाद ये अन्य लोगों को दिया जाता है। बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैट्रिक पास छात्रों के लिए अब आवेदन करने के लिए इंतजार खत्म हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। OFSS पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। OFSS की वेबसाइट पर सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची को भी अपलोड कर दिया गया है। नामांकन के लिए इच्छुक छात्र और छात्राएं वेबसाइट http://ofssbihar.in पर अप्लाई किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस बार 430 शिक्षण संस्थानों की सूची संकायवार सीटों के साथ जारी की गई है। सबसे अधिक संकाय कला संकाय में है। पटना से दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन तैयार। रेलवे के द्वारा गर्मी को लेकर कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। 15 अप्रैल से ये ट्रेनें चलेंगी और दिल्ली के लिए 30 जून तक 71 फेरे लगाएंगी। पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। फिलहाल इस ट्रेन में बुकिंग जारी है। पटना आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन का परिचालन पटना जंक्शन से शाम के 4 बजे होगा। ये अलग अलग स्टेशनों से होते हुए सुबह 6 बजे आनंद विहार पहुंच जाएंगी। मालूम हो कि ये ट्रेन दानापुर, बक्सर, आरा, प्रयागराज आदि होते हुए चलेगी।
आचार संहिता के दौरान इतने रुपए कैश लेकर जाना संभव। देश में चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू है, इस कारण कैश का गलत इस्तेमाल नहीं हो इसके लिए एक फिक्स लिमिट को तय किया गया है। अधिक कैश पर उसे जब्त किया जा सकता है। चुनाव के दौरान अगर आपके पास 50,000 रुपए से अधिक नगद या 10,000 रुपए से अधिक कीमत के गिफ्ट आइटम है तो उसके दस्तावेज को दिखाने होंगे। बिल या बैंक स्टेटमेंट असफल होने पर कैश को जब्त किया जा सकता है। कैश मूवमेंट अधिक होने पर इसे किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा दर्ज होना चाहिए। कंपनी का पूरा ब्यौरा वही खातों में दर्ज होना चाहिए। निफ्टी 22,000 से अधिक अंक पहुंचा नीचे। भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों सूचकांक गिर गए। सेंसेक्स 793.25 अंक नीचे जा गिरा है। ये 74,244.90 पर रहा, जबकि निफ्टी 1.05% यानी 238.10 अंक टूट कर 22,515.70 पर रहा है। मिड मैप और स्मॉल मैप में गिरावट देखने को मिली है। 3,943 कंपनी बाजार में कारोबार कर रही थी, इसमें 1,475 कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 2,365 कंपनियां ऐसी रही जो नुकसान के साथ बंद हुई। जानकारी के अनुसार निफ्टी में सभी सेक्टरों पर लाल निशान देखने को मिले हैं। अगर बात स्टॉक मार्केट की हो ही रही है तो काफी लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर मार्केट के इतने टेक्निकल एटीज के साथ पता नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी ऐप मैंने डिस्कवर किया है, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे वे में डिजाइन है कि इस पे कोई भी ऑप्शन ट्रेड कर सकता है। चलिए मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाती हूँ, ऑफर ट्रेड जो मैंने प्लेस किया है मार्केट वुल्फ पर। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो अप। अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया है क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव करता है। मैं वुल्फ वे यूज करती हूँ क्योंकि इसमें मार्केट वुल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माय प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट में मैंने 1,652 रुपए कमाए हैं, विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट्स। आप भी इस ऐप में इजिली पैसे कमा सकते हैं और अगर लॉस हुआ तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाए और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करे फ्रॉम द लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन। के पाठक ने राज्यपाल के सेक्रेटरी को लिखा पत्र। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। रॉबर्ट एल चोंगतू को के पाठक की ओर से पत्र लिखा गया है। इस पत्र की कॉपी को बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी भेज दिया गया है। इसमें के पाठक ने बताया है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1975 के माध्यम से सवाल पूछे गए हैं, साथ ही अंडर सेक्शन 7 के अंतर्गत चांसलर यूनिवर्सिटी के ऑफिसर होते हैं, कुलपति रजिस्ट्रार और डीन भी इसी श्रेणी में अफसर हैं। इसलिए के पाठक ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अपील की है कि वो इसमें दखल नहीं दे। बिहार में शराब तस्करों को पकड़ने की कवायद तेज। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, शराब के तस्करों को पकड़ने की कवायद अब तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 140 वारंटी राज्य से बाहर फरार चल रहे हैं, इसमें कई आरोपी संबंधित थानों में हाजिरी नहीं बना रहे हैं। वहीं कई लोगों ने फर्जी पता दिया है। मद्य निषेध विभाग के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। बताया जाता है कि अलग अलग जिलों में 5,000 आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। अब इन सभी को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग ने पुलिस महकमा को पत्र लिखा है। इसका मकसद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गर्मियों की छुट्टी में ट्रेन टिकट से संबंधित कंफ्यूजन को ऐसे करें दूर। गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन टिकट से संबंधित कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। मालूम हो कि टिकट के बुक करने के दौरान कई लोग वेटिंग में टिकट ले लेते हैं, इसके बाद टिकट के कंफर्म होने का इंतजार करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया जाता है। ट्रेन की टिकट बुक करते समय उसमें एक कोड आता है। वेटिंग टिकट में GNWL, RLWL, PQWL, RLGN,
RSWL कोड होता है। GNWL का अर्थ जनरल वेटिंग लिस्ट से है। इसके कंफर्म होने के चांस अधिक होते हैं। बर्थ खाली होने पर टिकट जल्दी कंफर्म होता है। RLWL का मतलब उस लिस्ट से है जो शुरू होने से गंतव्य स्टेशन के बीच का है। PQWL का अर्थ कोटा वेटिंग लिस्ट से है। इसके कंफर्म होने की संभावना कम होती है। RLGN का मतलब रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट है। ये टिकट को शुरू करने और अंतिम स्टेशन के बीच में पकड़ने वाले स्टेशनों से होता है। RSWL टिकट पर तब होता है जब बर्थ ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराया जाता है। TQWL का अर्थ तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट से है। कृषि विभाग के अलग अलग पदों के लिए रिजल्ट के लिए BPSC ने जारी किया नोटिस। कृषि विभाग ने अलग अलग पदों के रिजल्ट के लिए BPSC ने नोटिस जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए जानकारी दी है कि 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद परीक्षा का परिणाम अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी से BPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in पर चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मालूम हो कि कृषि सेवा के अलग अलग पदों के लिए BPSC ने परीक्षा का आयोजन किया था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पटना में 45,000 से अधिक कर्मियों को लगेगी ड्यूटी। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। वहीं चुनाव के दौरान पटना में 45,000 से अधिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 18 अप्रैल को इनके प्रशिक्षण का शुभारंभ होगा। दो पालियों में 26 अप्रैल तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के मकसद से इस ट्रेनिंग को जरूरी बताया जा रहा है। दूसरी ओर वरीय अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पटना के DM के द्वारा अधिक से अधिक प्रायोगिक प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई गई है। मिर्जापुर सीजन 3 में इस किरदार का पंकज त्रिपाठी ने किया खुलासा। इन दिनों मिर्जापुर सीजन 3 लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मिर्जापुर के फैंस इस सीरीज को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सीरीज में काम करने वाले मुख्य कलाकार पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर सीजन 3 की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी का ये वीडियो लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू का है। इसमें वे बता रहे कि मिर्जापुर में उनका फेवरेट किरदार कौन है। उन्होंने अपने फेवरेट किरदार का खुलासा करते हुए कहा है कि रसिका दुग्गल का किरदार उन्हें काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो घर में रहती हैं और दबी हुई रहती हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि असली खेल वही खेल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस सीरीज को देखने में काफी मजा आने वाला है। आपको बता दें कि मिर्जापुर 2024 के मिड तक रिलीज हो सकता है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग द्वारा बिहार के मौसम को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। बार बार प्रदेश में कई जगहों पर बारिश को लेकर चेतावनी दी जा रही है। बारिश के साथ ही प्रदेश में तेज हवा चलने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग के वेबसाइट पर आज मधुबनी, अररिया, सुपौल और सहरसा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कहा गया है कि आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री और 22 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। खगड़िया में 10 लाख से अधिक कैश सर्विलांस की टीम ने किया जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसे देखते हुए सर्विलांस की टीम ने खगड़िया के करुआ मोड़ स्थित चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से 10.5 लाख रुपए कैश को जब्त किया है। पुलिस की ओर से इसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आरोपी युवक की ओर से बताया जा रहा है कि वो जमीन की रजिस्ट्री के लिए जा रहा था। भारी राशि के जब्त होने के कारण BDO मोहम्मद मिनहाज अहमद, CO रवि राज और थाना अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह ने मामले की जाँच की है। वहीं आयकर विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई है। पटना घाट तक मई में JP गंगा पथ की होगी शुरुआत। पटना सिटी के लोगों को एक महीने के बाद काफी राहत मिलने वाली है। इन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी। पटना घाट तक मई में JP गंगा पथ की शुरुआत हो जाएगी। भद्र घाट से पटना घाट तक JP गंगा पथ का काम पूरा हो गया है। मई में सड़क पर आवाजाही शुरू होगी। बताया जाता है कि सावधानी पूर्वक लॉन्चर को उतारने में समय लग रहा है। JP गंगा पथ पर दीघा से पटना घाट के बीच 17.5 किलोमीटर का सफर काफी आसानी से हो जाएगा। लोगों को आने जाने में समय की भी बचत होगी। मालूम हो कि गाय घाट से पटना सिटी जाने के दौरान अशोक राजपथ पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। इससे अब राहत मिल सकती है।
नवादा में सीएम ने एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में जनसभा को संबोधित किया है। यहां उन्होंने एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है, साथ ही 2005 से पहले वाले बिहार के सभी को याद दिलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन लोगों को फिर से मौका मत दीजिएगा, वो लोग फिर से अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा है कि वो लोग अपने परिवार के लिए कमाने की कोशिश करते हैं, इस कारण उन लोगों को वोट मत दीजिए और विवेक ठाकुर को जीत दिलाइए। पवन सिंह के बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह ने बिहार के रोहतास में स्थित कालाकाट की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कालाकाट की जनता के लिए उनका जान भी हाजिर है। इसके बाद अब पवन सिंह के कालाकाट की सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बसपा से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मायावती से मुलाकात भी की है। इसके बाद संभावना भी जताई जा रही है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट से चुनाव सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया पलटवार। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर वो सत्ता से नहीं जाते तो 10 लाख और लोगों को अब तक नौकरी दे चुके होते। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार के 17 साल में जितनी नौकरियां नहीं दी हैं उतनी उन्होंने 17 महीने में दे दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने बिहार में 4.5 लाख शिक्षकों को नियमित किया है। महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत ही टोला सेवकों और आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। अभी तो सीएम नौकरी देने की बात नहीं करते हैं। पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। पूर्णिया जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने पप्पू यादव के घर पर छापेमारी की थी। इसी मामले में बीते दिन एफआईआर दर्ज हुआ है। मालूम हो कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। यहां से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि राजद की ओर से बीमा भारती को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा हैं। बिहार में खड़गे और राहुल गांधी की होगी रैली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। कांग्रेस यहां 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इसी कड़ी में 19 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 20 अप्रैल को राहुल गांधी का किशनगंज में कार्यक्रम है। मालूम हो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 40 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र एक किशनगंज की सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया है। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मैच। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच होगा। इसमें राजस्थान रॉयल्स को पंजाब की टीम की रणनीति के खिलाफ काम करना होगा, क्योंकि ये टीम जीतने का पूरा प्रयास करेगी। बताया जाता है कि पंजाब की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद भी बेहद सक्षम है। पंजाब टीम ने 5 मैचों में से 2 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैच में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। ये टीम अंक तालिका में 8वें नंबर पर है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले नंबर पर है। इस टीम ने 5 में से 4 मैच को जीता है। आपके अनुसार पंजाब किंग्स की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1898 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक चंदूलाल शाह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1919 में अंग्रेजी सैनिकों ने जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी। आज के दिन वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। आज के दिन वर्ष 1975 में भारत की महिला वैज्ञानिक रितु करिधल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1984 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में पाकिस्तान को 58 रन से हराकर पहली बार एशिया कप जीता था। व्हाट्सएप ने एआई चैट बॉक्स की टेस्टिंग की। व्हाट्सएप ने एआई चैट बॉक्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि ऐप भारत में एआई बेस्ड चैट बॉक्स मेटा एआई का टेस्टिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो आईओएस और एंड्रॉयड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं आगे यूजर्स के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षण हो जाने के बाद इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। बताया जाता है कि ये चैट बॉक्स लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा। ऐप के लेटेस्ट वर्जन में इसे उपलब्ध किया जा सकेगा।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सहयोगता दिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 9 अप्रैल। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है रांची। हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर है म्यांमार। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए हाजीपुर का जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है पटना की संगी मस्जिद, ऑप्शन सी है रोहतास का किला, ऑप्शन डी है शाह दौलत का मकबरा। इसका सही उत्तर है हाजीपुर का जामा मस्जिद। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही उत्तर है मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, विकास दास, पवन सिंह, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, अभिषेक कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, सादुल्ला पालवी, श्रवण कुमार, श्रवण शर्मा, कृष्णा प्रसाद, ऋषभ राज, रणधीर कुमार, वेद प्रकाश सिंह, पंकज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।